70 साल बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे, लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। इससे पहले भी प्रयास किए गए हैं, प्रयास कई बार हो चुके हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू पक्षकार खुद कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे जो भी कोर्ट फैसला करे। अगर जो है कोशिश हम लोग जो है करना चाह रहे हैं, अगर लोग तैयार हैं तो हम बात करेंगे। अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। हम तो ये चाहते हैं, इससे भी राजनीति करना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं फैसला होना चाहिए। आज के कोर्ट के फैसले बाद आपको लगता है उम्मीद कुछ बढ़ी है? भाई उम्मीदें तो बढ़ी हैं, अगर हो जी उम्मीदें तो बढ़ी हुई हैं, अगर ये जो है लोग मान लेते हैं तो हो जाएगा। जो जस्टिस हैं बिल्कुल रखे गए हैं, ठीक है। हमको जो है उनके ऊपर भी जो है विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, जजों पे जो है विश्वास है कि अगर हो सकता है इससे बात बन जाती है तो बेहतर है। इकबाल अंसारी को वो कह रहे हैं कि समझौता हो जाए तो बेहतर है, दूसरा पक्ष ही मना कर रहा था समझौते के लिए, हम तो हमेशा से तैयार थे। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। है कि वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब उनको यह बार बार मतलब कई लोगों को बताना पड़ेगा कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हो ना भविष्य में बनने वाले हो, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी विकास का काम। जी अखिलेश यादव पर टिप्पणी दे रहे हैं, हमारे साथ इस समय मोहसिन रजा आ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। स्वागत है मोहसिन रजा आपका, पहली प्रतिक्रिया आपकी अदालत के इस फैसले पर कि अब मध्यस्थों के जरिए राम मंदिर मामला सुलझाया जाए। देखिए हमें उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से कि फैसला बहुत अच्छा और हमारे पक्ष में आएगा, हम इस उम्मीद पर बैठे हैं और पूरी देश की जनता। लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई इस तरह का वर्डिक्ट दिया है तो उस वर्डिक्ट का भी स्वागत करते हैं, और पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था अगर दोनों पक्ष बैठकर फैसला करना चाहें तो हम उनको अलाउ करते हैं, तो पहले भी अलाउ किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन मुझे लगता है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है और हम सब उम्मीद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से कि वो एक फैसला दे, और फैसला मुझे पता है और हम सब आशावादी लोग हैं, आशावान हैं कि हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसी फैसले को लेकर गए हैं। तो अपने आप में अब फैसले की घड़ी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अगर ये ऐसा रखा है एक मध्यस्थता के लिए तो उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से बहुत जल्दी अच्छा निर्णय मिलेगा। लेकिन उम्मीद तो आप लोग ये भी कर रहे थे कि चुनाव के पहले फैसला हो जाता तो बेहतर था, अब मामला चुनाव के बाद तक टल गया, ये साफ हो गया। रोहित देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, और जाहिर सी बात है हम सब उम्मीद करते हैं, 125 करोड़ जनता उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द वहां पर हमारे पक्ष में फैसला आए और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन जहां तक बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई वर्डिक्ट दिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल बात करने के लिए मोहसिन रजा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला आएगा। पहले भी बातचीत की पैरवी करते रहे हैं, अब भी अगर बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जा रहा है तो ये स्वागत के योग्य है।